जांजगीर चांपा के रहने वाले नेहा उर्फ अशोक बंजारे का चयन छत्तीसगढ़ जिला पुलिस की आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ। बता दें कि नेहा उर्फ अशोक बंजारे थर्ड जेंडर समुदाय से संबंध रखते हैं। वही कलेक्टर द्वारा उन्हें थर्ड जेंडर समुदाय से जुड़े का पहला आरक्षक बनने पर सम्मानित भी किया गया है। नेहा उर्फ अशोक बंजारे हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर है। तृतीय लिंग सशक्तिकरण योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षा के लिए नेहा उर्फ अशोक बंजारे को रायपुर में निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई गई, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती में इनको सफलता मिली है। बता दें कि भर्ती परीक्षा का आयोजन राजनांदगांव जिले में हुआ था। परीक्षा में शामिल होने के लिए अशोक उर्फ नेहा के आने जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। नेहा उर्फ अशोक ने कहा कि तृतीय लिंग वर्ग से जिले के पहले आरक्षक बनने पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के अन्य सदस्यों को शासकीय योजनाओं का लाभ देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बताते चले कि तृतीय लिंग समुदाय के परीक्षार्थियों को प्रशासन एकेडमी में 30 दिन तक लिखित परीक्षा की तैयारी कराई गई थी। इसके पश्चात राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र में 120 दिनों तक लिखित और फिजिकल टेस्ट की तैयारी विषय विशेषज्ञों के माध्यम से कराई गई। वहीं तृतीय लिंग समुदाय ने सहयोग के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। अब किस नाम से हुआ सिलेक्शन? मेरे कड़े का नाम मार्कशीट में अशोक कुमार बंजारे है, लेकिन हम लोग महिला प्रमाण पत्र किन्नर कार्ड के माध्यम से महिला कैटेगरी बेस से हम लोग का सिलेक्ट हुआ। सारा इवेंट तो नेहा नाम से हुआ होगा। नेहा से परिचित है, आगे भी उसी नाम से ही हम लोग कमेटी। वहाँ जो पढ़ाई किया होगा जो उसमें कड़े का ही नाम है ना। अच्छा। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक